नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल उमर। आपसे अनुरोध है हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लगातार आपको कुछ ना कुछ नया कुछ अलग दे रहे हैं। लगातार जब से चैनल शुरू हुआ है तब से आप सर्व करिए तो आपको बहुत सारे विषयों पे जानकारी मिल जाएगी, ना केवल भूत प्रेत बाधा निवारक और शत्रु मित्र सभी कुछ, बहुत कुछ, सर दर्द वजन कम बहुत कुछ मिलेगा। तो हमारा आपसे अनुरोध है हमारे चैनल पर लगे रहिए, हम आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ बताते रहेंगे किसी प्रकार से। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर्प भय निवारण। ये सर्प भय निवारण आवश्यक क्यों समझा मैंने, क्योंकि देखिए सांप से कम और सांप के भय से ज़्यादा डर लगता है। बरसात का समय वैसे सांप के दिलों में पानी भर जाता है, उसके बाद निकल के इधर घूमते हैं सांप देखो तो हवा ही खराब हो जाती है। ऐसे में कई बार सांप से ज़्यादा सांप का डर हो जाता है मन में। उस डर को, सर्प के भय को निकालने के लिए आपको क्या करना है, शुभ मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में पुनर्नवा की जरूरत। देखिए शुभ मुहूर्त शुभ नक्षत्र, जैसे दिवाली है होली है, शुभ मुहूर्त हैं, आप इस दिन ही काम कर सकते हैं। कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं, कुछ त्यौहार है वो शुभ मुहूर्त है, लेकिन वैसे आप अपने ज्योतिषी से पता करें भाई मेरे लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है, बताइए पंडित जी, वो आपको बताते हैं। तो शुभ मुहूर्त शुभ नक्षत्र, इसमें आप पुनर्नवा की जड़ लाएं, फिर इसमें सफ़ेद सूत का डोरा, यानी सफ़ेद सूत से बना डोरा इस पर बांधें, 12 गांठ लगाएं, उसके ऊपर 12 गांठ लगाएं और उसे फिर बाहों में धारण करें, तो सांप का डर आपके मन से निकल जाएगा। सांप आना है आएगा, लेकिन आपको ये नहीं कि वो सांप नहीं तब भी आप डरे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और कृपया भय मुक्त बने, वैसे भी ऐसी स्थिति ना हो। और हमारा चैनल ओम आलोक नाम है, आप जानते हैं, इसे आप देखते रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और, नमस्कार।